नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज रायपुर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अकाउंट की बेसिक टर्मिनोलॉजी। यदि हमको अकाउंट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हमको सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है अकाउंट में। रोज के हमारे जो भी लेन देन होते हैं, हम किसी को गुड्स लिए, किसी को कैश पे किया, किसी से हमको कैश मिला, तो ये हमारा सब ट्रांजेक्शन कहलाता है। जो भी लेन देन होता है बिजनेस में वो सब ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल बिजनेस की सबसे मेन चीज होती है। कैपिटल मीन्स जब हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी अपना यानी ओन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसी को बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस का जो मालिक होता है, ओनर होता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर बिजनेस को स्टार्ट करते समय अपना खुद का कुछ भी इन्वेस्ट करता है वो उसका बिजनेस में कैपिटल कहलाता है। ये कैश भी हो सकता है, ये गुड्स के रूप में भी हो सकता है और ये एसेट्स के रूप में भी हो सकता है। तो कैपिटल केवल उसी को बोलते हैं ओनर जो अपना खुद का ओन अपना खुद का जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। जैसे किसी ने बिजनेस स्टार्ट करते समय 1,00,000 रुपीज कैश और 50,000 का गुड्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो टोटल उसकी कैपिटल हो जाएगी 1,00,000 प्लस 50,000 यानी कि 1,50,000। यदि मान लीजिए मैं किसी से रुपए बोरोड करके उधार लेके बिजनेस में लगाता हूं तो ये मेरे बिजनेस का लोन कहलाएगा, ये बिजनेस की कैपिटल नहीं कहलाएगी। तो कैपिटल बिजनेस सबसे मेन पॉइंट है। ड्रॉइंग्स, जब हम बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल। जब बिजनेस में अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए वापस कुछ भी विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। मान लीजिए मेरे किराना की दुकान है और मैं अपने दुकान से अपने घर के यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए कुछ किराना सामान घर लेके जाता हूं तो ये मेरा बिजनेस में ड्रॉइंग्स कहलाएगा। तो मैं अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए चाहे कैश विड्रॉ करूं या गुड्स विड्रॉ करूं वो बिजनेस का ड्रॉइंग्स कहलाएगा। इससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है क्योंकि हमने जो भी इन्वेस्ट किया वो हमारी कैपिटल, वापस हम कुछ भी विड्रॉ कर लेंगे चाहे वो गुड्स के रूप में या कैश के रूप में, तो ये हमारा ड्रॉइंग्स होता है और इससे हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट गुड्स, गुड्स वो होता है जो हम बिजनेस में बेचने के लिए यानी कि सेल करने के लिए परचेज करते हैं। जो चीज हमको वापस सेल नहीं करना है वो हमारे बिजनेस का गुड्स नहीं होता है। मान लीजिए मेरे कपड़े की दुकान है और मैं कपड़ा दुकान के लिए खरीद के ला रहा हूं जिसको मेरे को वापस बेचना है, तो ये क्लॉथ जो है मेरे लिए गुड्स कहलाएगा। अब मैंने फर्नीचर परचेज किया और उस फर्नीचर में मेरे को अपना गुड्स रखना है, कपड़ा रखना है, तो ये फर्नीचर मेरे बिजनेस के लिए गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि ये मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूं। नेक्स्ट, इस गुड्स में चार पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। गुड्स को चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जब हम गुड्स कहीं से परचेज करके लाते हैं तो परचेज, जब उसको बेचते हैं तो सेल्स, और हमने अपने कस्टमर को गुड्स बेचा है और वो कस्टमर कोई रीजन से वापस कर देता है तो उसको सेल्स रिटर्न या फिर उसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। और हम कहीं से गुड्स खरीद कर लाए हैं और उस गुड्स को हम वापस रिटर्न कर देते हैं जिससे खरीदे थे तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो गुड्स के हमने चार पार्ट किए हैं, एक परचेज, दूसरा सेल्स, तीसरा परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स बिजनेस में उनको बोलते हैं वो सभी पर्सन जिनको हमने गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया है, यानी कि वो सभी पर्सन जिनको हमने गुड्स उधार बेचा है वो सब हमारे बिजनेस के डेटर्स कहलाते हैं। मैंने
राम को गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया तो राम मेरा डेटर्स हुआ, मैं मोहन को गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया तो मोहन यहाँ पर मेरा डेटर्स हुआ, मैंने रमेश को गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया तो ये मेरा डेटर्स। यानी कि ये सभी टोटल अमाउंट जो हमको दूसरे लोगों से लेना है जिनको हमने गुड्स उधार में बेचा था, ये सब हमारा डेटर्स का अमाउंट कहलाता है। क्रेडिटर्स जिनसे हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं वो सभी पर्सन हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। हम जहां से भी गुड्स उधार क्रेडिट में परचेज करके लाते हैं वो सभी पर्सन हमारे बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं। हमको उन्हें पैसा लौटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा जो गुड्स हमने उधार खरीदा है उसके लिए। एसेट्स, बिजनेस में एसेट्स किसको बोलते हैं? तो एसेट वो सभी चीजें होती है जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्पफुल होती है। जैसे बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस में फर्नीचर, बिजनेस में टाइपराइटर, बिजनेस का कंप्यूटर, बिजनेस में कोई हमने मोटर गाड़ी खरीदी, तो वो सभी चीजें जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्पफुल होती है वो सब हमारे बिजनेस की एसेट्स होती है। इसके अलावा हमको बिजनेस में किसी से भी कुछ भी लेना है तो वो भी सब हमारी एसेट्स है। जो कुछ भी हमको दूसरों से लेना है वो सब हमारे बिजनेस का एसेट। जैसे हमको डेटर से पैसा लेना है जिनको हमने गुड्स उधार में बेचा था तो वो डेटर्स भी हमारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? जो एसेट्स हम बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग, बिजनेस में हमने मशीन परचेज किया, बिजनेस के लिए फर्नीचर, तो ये सब लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला है, इनका यूज कई सालों तक बिजनेस में होते रहता है, इसलिए वो सब बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। और इनको कंटिन्यू यूज करते रहने से इनका धीरे धीरे वैल्यू रिड्यूस होते जाता है, जिसको हम बिजनेस में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास। करंट एसेट्स वो होती है जो बिजनेस में बार बार कम ज्यादा चेंज होते रहती है। जैसे हमारे बिजनेस का कैश इन है, कैश इन हमारे बिजनेस का करंट एसेट्स है, रोज कम ज्यादा हो सकता है कैश इन है। डेटर्स जिनको हम गुड्स उधार बेचते हैं वो हमको वापस पेमेंट करते हैं, तो हमारे डेटर्स से पैसा कलेक्ट होता है तो डेटर्स कम हो जाते हैं, फिर गुड्स हम उनको उधार बेचते हैं तो वहां पर डेटर्स बढ़ जाते हैं, तो डेटर्स कम ज्यादा होते रहते हैं, डेली कम ज्यादा हो सकते हैं, तो वो भी हमारा करंट एसेट्स में कहलाता है। इसके अलावा और भी, जैसे हमारा स्टॉक, बिजनेस में जो स्टॉक है वो भी करंट एसेट्स होता है, तो करंट एसेट्स जो होती है वो बिजनेस में कम ज्यादा होते रहती है। नेक्स्ट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मीन्स वो सभी अमाउंट जो हमको बिजनेस से वापस किसी दूसरे लोगों को पे करना है। जैसे मैंने अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपीज का लोन लिया, तो ये 1 लाख रुपीज का जो लोन है वो भी मेरे बिजनेस का लायबिलिटी है, क्योंकि हमको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। हम किसी से गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो हमारे बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट परचेज किया तो उनको भी हम वापस पैसा रिटर्न करेंगे, हमको ये पैसा लौटाना पड़ेगा, तो ये भी हमारे बिजनेस का लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी मीन्स जो हमको वापस पे करना है, तो बिजनेस से हमको जो कुछ भी पे करना है वो हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती है जो 1 ईयर यानी कि 12 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए हमारे पास है, जिनको हमको जो रिटर्न करना है अमाउंट वो 12 मंथ के बाद। जैसे मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस के लिए 5 लाख रुपीज का, 5 लाख रुपए का लोन लिया, और ये लोन मेरे को वापस 10 इयर्स के बाद, 10 साल बाद वापस करना है, या मान लीजिए 3 साल बाद वापस करना है, तो ये 1 ईयर के बाद वापस करना है, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हुआ। बिजनेस में जो कैपिटल होती है वो भी लायबिलिटी होती है, क्योंकि ओनर ने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है वो वापस कभी भी ले सकता है, तो कैपिटल भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। करेंट लायबिलिटी वो होती है जो हमको 12 मंथ्स के अंदर, 12 महीने के अंदर वापस करना है। जो भी हमको लायबिलिटी
12 मंथ्स के अंदर वापस रिटर्न करना रहता है, वो सब हमारे बिजनेस की करंट लायबिलिटी होती है। जैसे क्रेडिटर्स का जनरली एक साल के अंदर ही हमको पेमेंट करना ही पड़ता है, यहाँ तक कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो क्रेडिटर्स बिजनेस की करंट लायबिलिटी होती है। हमने बैंक से कुछ ओवरड्राफ्ट किया पैसा, अपने अकाउंट से जितना बैलेंस उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये भी बैंक को वापस रिटर्न करना पड़ता है कुछ समय के बाद, तो ये भी हमारे बिजनेस का करंट लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, तो ये सब हमारे बिजनेस का करंट लायबिलिटी होता है। नेक्स्ट, स्टॉक। हमारे बिजनेस में जो अनसोल्ड गुड्स, किसी डेट को अनसोल्ड गुड्स, बिना बिका हुआ गुड्स पड़ा हुआ है, वही हमारे बिजनेस का स्टॉक होता है। वैसे जनरली स्टॉक का वैल्यूएशन जो होता है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर का जो आखिरी दिन होता है, लास्ट डे होता है, उस दिन स्टॉक का हम वैल्यूएशन करते हैं। तो बिना बिका हुआ जो अनसोल्ड गुड्स हमारे पास दुकान में पड़ा हुआ है, वही हमारा स्टॉक कहलाता है। एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग पीरियड, जब हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग बुक्स को हम क्लोज करते हैं, जो जनरली फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च, तो 31 मार्च को हमारे पास जो स्टॉक अनसोल्ड है, बिना बिका हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और यही क्लोजिंग स्टॉक वापस नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में, ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, उसको वापस ओपनिंग स्टॉक के नाम से कॉल करते हैं। बता नेक्स्ट, बैलेंस। बैलेंस यानी क्या? जब हम किसी को बिजनेस में गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करते हैं, तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो डिफॉल्टर हो जाते हैं, अपना अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं, और हम पूरी कानूनी कार्रवाई, लीगल प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद भी अब हमको लगता है कि ये पैसा हमारा रियलाइज नहीं हो पाएगा, तो उसको हम मानते हैं कि हमारा पैसा डूब गया और ये हमारे बिजनेस का लॉस होता है, और इसको बोलते हैं बैड डेट्स, ये बिजनेस का लॉस होता है। एंट्री, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ट्रांजेक्शन यानी जो भी लेन देन, तो बिजनेस में हमारे जो भी ट्रांजेक्शन लेन देन होते हैं, उनको बुक में रिकॉर्ड करना, लिखना रोज का रोज, तो वही हमारा एंट्री करना कहलाता है। यानी कि ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग बुक्स में लिखने का जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं एंट्री करना, लिखना। नेक्स्ट, वाउचर। हम जो भी ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसको एंट्री बोलते हैं, और ये जो एंट्री करती है, करते हैं, ये वाउचर के बेस पे करते हैं। वाउचर मीन्स क्या? जो हमारे ट्रांजेक्शन है उसका प्रूफ, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड वाउचर। हम अपने बिजनेस में, मान लीजिए अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाते हैं, तो उसका हमारे पास स्लिप, उसका प्रूफ होना चाहिए। हम कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे किसी को गुड्स बेचते हैं, किसी से गुड्स परचेज करते हैं, तो सब बिल होता है हमारे पास, तो ये सब प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो उस प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं वाउचर। उसी के बेस पे, हम वाउचर के बेस पे अपने सब अकाउंट्स को अपने अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स क्या? बिजनेस को रन करने के लिए हमको जो भी डेली बिजली से रिलेटेड एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, चाहे वो बिजली के बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाहे एम्प्लॉय का सैलरी हो, हमारे शॉप का रेंट हो, या टेलीफोन के खर्चे, बहुत सारे खर्चे हमारे बिजनेस में हो सकते हैं, जो बिजनेस को रन करने के लिए करने पड़ते हैं, तो वो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। उन एक्सपेंसेस को हमने अपने अकाउंट क्लोज होने की डेट तक, जो एक्सपेंसेस हो चुके लेकिन हमने अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया, यानी कि वो एक्सपेंसेस हमारे अनपेड है, यानी कि देना बाकी है, तो जो एक्सपेंसेस हमारे देना बाकी है, उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे हमारे एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू हो गई है, उसने पूरी सर्विस हमको दे दी, लेकिन हमने अभी तक उसको सैलरी का पेमेंट नहीं किया, तो ये हमारा होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग मीन्स एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो एक्सपेंसेस कट चुके
बट नॉट पेड, उनका अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो एक्सपेंसेस हम पहले से पे कर देते हैं, जिसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर से है और हमने इसी साल पहले से एडवांस में उनको पे कर दिया, तो वो हमारा होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो पहले से पे कर दिया जाता है, जिसके बदले में हमको अभी सर्विस मिलना बाकी है लेकिन हमने पहले से एडवांस में पे कर दिया। ये भी हमारे बिजनेस का एसेट्स होता है क्योंकि इसके बदले में हमको सर्विस मिलना बाकी है और ये हमारे बिजनेस की करेंट एसेट्स होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पे करना बाकी है, ये हमारे बिजनेस का करेंट लायबिलिटी होता है, जो हम पहले समझे थे करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। तो ये करेंट लायबिलिटीज है हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो करेंट एसेट्स है। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, जो इनकम हमको मिलना बाकी है, जिसके लिए हमने सर्विस प्रोवाइड कर दिए, हमने सर्विस प्रोवाइड कर दिए लेकिन उसके बदले में हमको अपनी इनकम मिलना बाकी होती है, उसको बोलते हैं इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड यानी कि एक्रूड इनकम। तो ये एक्रूड इनकम जो हमको मिलना बाकी है, तो ये भी हमारे बिजनेस का करेंट एसेट्स कहलाता है। आखिरी हमारा अनअर्न इनकम, इसका रिवर्स, एक्रूड इनकम का रिवर्स, इनकम रिसीव इन एडवांस, जो इनकम हमको पहले से एडवांस में मिल जाती है, जिसके बदले में, जिसके लिए हमको सर्विस प्रोवाइड करना बाकी, हमने सर्विस प्रोवाइड नहीं की लेकिन इनकम हमको पहले से मिल गई, तो वो इनकम हमारे लिए लायबिलिटी होती है, उसको करेंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो अनअर्न इनकम हमारी करेंट लायबिलिटी होती है, और अनअर्न इनकम मीन्स इनकम रिसीव इन एडवांस। तो मैं एक बार और आपको वापस रिपीट कर देता हूं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस इनकर बट नॉट पेड, जो पे करना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्रूड इनकम मीन्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, जो इनकम मिलना बाकी है, और अनअर्न इनकम मीन्स इनकम रिसीव इन एडवांस। तो ये मैंने अपने इस फर्स्ट वीडियो में आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में बताया, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जिनको अकाउंट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज लेना है, तो सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी का उनको नॉलेज लेना चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होगा। नमस्कार।